वेलकम बैक यूट्यूब सूरज यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मेरा नाम है सूरज और मैं हूँ रानीखेत अल्मोड़ा का। आज मैं आ रखा हूँ कौसानी। कौसानी जो पड़ता है बागेश्वर में ना भाई, आज हम आ रखे हैं बागेश्वर। बागेश्वर से आया मैं कौसानी, कौसानी से आगे हम आ रखे हैं अभी बैजनाथ में और आज हम यही रहेंगे। तो तुमको दिखाता हूँ मैं बैजनाथ का जो नया पुल बना है सॉरी पुल नहीं बना, यहाँ बैजनाथ लगा है। अरे रुक जा भाई, बैजनाथ में एक वो बना तो है झील, एक कृत्रिम झील बनाई गई है यहाँ पे, तो इसका आनंद हम लोग अब यहाँ पर लेंगे। तो हमारे साथ आ रखे हैं गोकुल जो आज हमारा साथ देंगे यहाँ पे। गाइस ये रही बैजनाथ की झील और ये देखो ये लग रखे है इसमें पूरे लोहे के तार और नीचे है ये गेट। जब पानी का बहाव ज्यादा हो जाता होगा तब इस गेट को खोल दिया जाता है। देखो इतने सारे गेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेट बनाए गए हैं बैजनाथ पुल पुल पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये डेकोरेशन ऐसे करा गया है, ऊपर इतना सारा पानी और नीचे इतना कम। देखो ये रहा पूरा अपना बैजनाथ, लाइफ में पहली बार आ रखा हूँ यहाँ पर। सो गाइस ये रहा बागनाथ मंदिर, ये देखो पूरे पत्थर से गिरी और ये जगह लग रही है यहाँ पर। ये देखो पूरा पत्थरों का बना है, कितने बड़े बड़े पत्थर लाए होंगे उस जमाने में, पूरा डिजाइन करा हुआ। मेन मंदिर आगे है, दिखा दो तुमको, ये देखो पत्थरों के अंदर नक्काशी देखो, पूरी मूर्ति बनाई गई है और ये हमारे बाबा भोलेनाथ के दो दो मंदिर। सो गाइस काफी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर की जो मूर्तियां है ना, इनकी तो मूर्तियां यहाँ से शायद संरक्षित कर दी गई हैं, यहाँ से हटा दिया गया है मूर्तियों को। और ये देखो कुछ इस तरीके से ये स्तंभों को इनने लगाए हो गए जाके मजबूती इन सभी को ज्यादा मिले यहाँ पर। और इसके बगल पर ये है पूरी झील, ये कृत्रिम झील जो बनाई गई है बागेश्वर में सबसे बड़ी इस एरिया में, मतलब वैसे खोद पानी रोक के ये बनाया गया है यहाँ पर इतनी बड़ी झील। और मैं लेके आ रखा हूँ थोड़े से चने, अभी दिखाऊंगा मैं तुमको यहाँ के मछलियाँ, तो मेरे को भी किसी ने बताया यहाँ के बारे में। तो ये रही यहाँ की मूर्तियाँ, मेरे को यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मैं कुछ भी अपने मन से तुमको झूठ नहीं बोलना बोलूँगा। और ये हैं अपने काल भैरव देवता जो कि मेरे को यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, और खिचड़ी देख के भी मेरे को लग रहा है कि ये वही होंगे। और ये रहा मेन मुख्य मंदिर, आज बंद है शायद ये डैम। और ये बैठने के लिए है यहाँ, ये बैठने के लिए है ना। तो गोकुल मेरे को यहाँ के बताएंगे कि वो कब से रहे। गोकुल इधर आना भाई। तो मैं यहाँ पर अभी तो फिलहाल इसी को जानता हूँ और मैं यहाँ पर लाइफ में पहली बार आ रखा हूँ अभी। और ये किस इसकी मूर्ति है भाई आगे से हमारी, ये वाली मूर्ति, तो जैसे कि ये बता रहा है ये वाली मूर्ति जो है भैरवनाथ की है। अब मैं तो लाइफ में पहली बार आ रखा हूँ यहाँ पे, मेरे को कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। तो गोकुल आ रखे हमारे साथ, ये बताएगा मुझे, मेरे को बताते रहना यार भाई यहाँ के बारे में, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है बट देख के काफी अच्छा लग रहा है। तो शर्मा क्यों रहा है यार कोई? क्या है? क्या बताऊं मैं? कुछ भी मतलब तू यहाँ जानता है ना इसके बारे में, तू कब से रह रहा है यहाँ पर ये बता पहले। दो साल चाहिए मेला हर साल लगता है फिर यहाँ ना? आज ही लगा है, अच्छा पहली बार लग रखा है। तो भाई साहब यार इतना, यार देखो यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, ये तो वैसी है, बहुत सारे लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पे।
चल आ जा। ब्लॉग की क्वालिटी काफी घटिया आएगी इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग शाम को शूट कर रहे हैं और यहाँ पर झील होने की वजह से ऊपर से पूरी धुंध धुंध है, तो कि धूप नहीं आती। 5 बजे के बाद यहाँ पर पूरा अंधेरा जैसा हो जाता है, तो यार भीड़ तो काफी ज्यादा। और ये माइक लगा के कल बनाएंगे अपनी उत्तराखंड की असली पहचान। ये देखो असली चीज, ये पूरा बैठने का इतना बड़ा है ना ये जगह, बैठ के भी दिखाऊंगा तुमको अभी। यहाँ से पहले प्रोग्राम यहाँ होते थे और बाकी लोग सारे यहाँ से देखते थे, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा इतना बड़ा ये हो चुका है, तो दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इसके वजह से। और ये हम देंगे मछलियों को, क्या पता दिख जाए। अभी बोल तो रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ वाली यहाँ पर, लेकिन ठंड के होने की वजह से बहुत कम आ रही वाल ऊपर। हम अपनी तरफ से डाल देते हैं, आई तो सही है, नहीं आए तो वो भी सही है। हम लोकेशन चेंज करके देखते हैं, शायद उस तरफ से मछली दिख जाए हमको। देखो मछलियों के लिए रखा है पूरा सामान। और ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान, इस लोकेशन से चेक कर लेते हैं, क्या पता मछली आ जाए ऊपर। मछली दिख रही है मेरे को आंखों से, मतलब छोटी दिख रही है अभी बहुत ज्यादा। मैंने एक दो लोगों से पूछा, वो लोग कह रहे थे कि यार मछली तो है लेकिन आगे क्या है, मतलब आज ये बता रहे हैं। चल ये मेला कब से लग रहा है यहाँ पे, मेला कब से लग रहा है? कल से तो लगा है और अब फर्स्ट बार लगा है। कल से लग रहा है, आज मेले का पहला दिन है, मेले का पहला दिन है आज, तो मेला आज से ही लग रहा है। मेले का पहला दिन है और 10 दिन, अभी कितने दिन चलेगा ये? कल है लास्ट। अच्छा कल लास्ट है। ये बहुत बड़ी पुल है यार ना, मतलब बहुत बड़ी झील है यहाँ पर, मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में। आगे देखते जाओ अभी कितना खतरनाक है। बैजनाथ, वैसे झील वगैरह तो देख रखे पर बैजनाथ की झील नहीं देखी भाई। नैनीताल का वो आ रहा है पूरा, बस ये है थोड़ा सा, उतना वो नहीं है। नैनीताल से कम गहरा, नैनीताल से बहुत कम गहरा है, मतलब एक इंसान के बराबर लग रहा है अभी तो मेरे को वैसे देखने में। अब बीच में जाओ बहुत गहरा है, बीच में गहरा है। और इससे आगे जहाँ डैम है बंद का, जहाँ बंद का रखा है पानी, अच्छा वहाँ और भी गहरा है। तो चलेंगे फिर वापस, आगे जाके फिर वापस चलते। आगे आगे क्या है और मेरे को तो पता नहीं है भाई, तू ही बताएगा भाई, तू आज का वो है मेरा गाइड गोकुल आज के। ये रही पूरी बैजनाथ की झील भाई, एक बार तो यहाँ से पकड़, मैं आगे को जाऊंगा आगे। मैं आऊँ बस हो गया। तो गाइस आज हम आ रखे हैं बैजनाथ की झील में। मैं लाइफ में पहली बार आ रखा हूँ और मेरे को काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अब वीडियो क्वालिटी का मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम 5 बजे के बाद शूट कर रहे हैं वीडियो को, तो इसके वजह से हो सकता है कि यार वीडियो साफ ना आए। मैं रानीखेत अल्मोड़ा का हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे चैनल पर, मैं कोई सी भी अपडेट नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जब इस जगह पर मैं आया तब मुझे लगा यार भाई कि यार तुझे फिर से शुरू कर देना चाहिए भाई, कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा घूमते हैं लेकिन उसके बाद से डालते, उनका पता नहीं चलता कि वो इतने जगह घूमते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ब्लॉग वगैरह डाल देता हूँ, इसके वजह से ऐसा होता है ना कि मेरा पता चल जाता है कि ये भाई घूम रहा है करके। रात को यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है माया उपाध्याय का और अगले 10 दिन तक रहेगी वो, कितने दिन रहने वाली हो? आ जाएगी कल तक रहेगी बस, कल एक दिन के लिए। अच्छा तो लास्ट कब है फिर यहाँ? 31st के दिन लास्ट कब है मेले का? कितने दिन का होता है? 10 दिन का। हेलो भाई, क्या नाम है भाई आपका? दीक्षांत। कहाँ के हो? बैजनाथ के हो। तो ये जो मेला लग रहा है कितने दिन का और लगेगा यहाँ? ये कल तक रहेगा, परसों तक खत्म। परसों खत्म है? कल खत्म हो जाएगा। ये तो कह रहा था मेरे को 10 दिन का है। मैंने कब कहा 10 दिन? अभी तू ही कह रहा था भाई।
अभी मेरे से कह रहा भाई 10 दिन और रहेगा करके तो पागल बनाया तुम पागल भी बन गए। अरे नहीं यार भाई ऐसा होना कि झूठी डिटेल थोड़ा भेजनी है हमने तो अभी तो ऐसी हो गया। अभी हमने खाना वाना भी खा दिया था तो इसकी वजह से मंदिर पे नहीं हो पा, मंदिर के अंदर हम नहीं गए। पढ़ाई में काबू हूँ ध्यान कक्षा में मैडम भी देख लीजिए लड़ जानी मधुआ रोड भिलाई क्यूँ छोड़ दे मैगी चौमीन के लिए मधुआ रोड भिलाई क्यूँ छोड़ दे मैगी चौमीन के लिए दिन भर आगे 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 पीछे पीछे लगे पबजी फ्री फायर खेलनी कि मधुआ रोड भिलाई क्यूँ छोड़ दे मैगी चौमीन के लिए दिन भर आगे 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 पीछे पीछे लगे पबजी फ्री फायर खेलनी। जरा ठुल हुनी ना जबू इस बजहू चिड़नी जरा ले ठुल है जी